नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूँ सांत्वना आपके साथ। बिहार सरकार ने बिहार पंचायती जनप्रतिनिधियों के लिए बड़ा फैसला लिया है और इसी फैसले की कड़ी में बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के पंचायत के जनप्रतिनिधियों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए ये कहा है कि पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम कचहरी के प्रतिनिधियों को अब 74 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। दरअसल बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों यानी सदस्य, जिला परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पंचायत समिति के प्रमुख, उपप्रमुख, ग्राम पंचायत के मुखिया, उप मुखिया, कचहरी के सरपंच, उप सरपंच को नियत यानी मासिक भत्ता हेतु 74,58,00,000 राशि व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को राशि स्वीकृति की जानकारी देते हुए कहा है कि ये राशि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए है। उन्होंने आगे कहा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों जैसे जिला परिषद अध्यक्ष को मासिक भत्ता 12,000, जिला परिषद उपाध्यक्ष को 10,000, शायद समिति प्रमुख को 10,000, पंचायत समिति उपप्रमुख को 5,000, ग्राम पंचायत मुखिया को 2,500, ग्राम पंचायत उपमुखिया को 1,200, ग्राम कचहरी सरपंच को 2,500, ग्राम कचहरी उप सरपंच को 1,200, जिला परिषद सदस्य को 2,500, पंचायत समिति के सदस्य को 1,000, ग्राम पंचायत सदस्य को 500 एवं ग्राम कचहरी सदस्यों यानी पंच को 500 रुपये देय हो रहा है। उन्होंने आगे बताया कि राज्य सरकार द्वारा किए गए उक्त निर्णय के आलोक में वित्तीय वर्ष 2022-23 में लगभग 4 माह के लिए समेकित नियत यानी मासिक भत्ता भुगतान हेतु संलग्न जिलावार विवरणी 1 के अनुसार जिला परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों को 1,41,90,000 की राशि संलग्न विवरणी 2 के अनुसार पंचायत समिति के प्रमुख, उपप्रमुख तथा सदस्यों को 7,16,10,000 की राशि संलग्न विवरणी 3 के अनुसार ग्राम पंचायत के मुखिया, उपमुखिया तथा सदस्यों को 33 करोड़ रुपए की राशि तथा संलग्न विवरणी 4 के अनुसार ग्राम कचहरी के सरपंच, उप सरपंच तथा सदस्यों को 33 करोड़ रुपए की राशि, कुल मिलाकर 74,58,00,000 की स्वीकृति प्रदान की गई है। त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को अब इसका लाभ मिलने लगेगा। बिहार के नवनिर्वाचित पंचायत जनप्रतिनिधियों के लिए बिहार सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है, जहां पर अब उन्हें मासिक भत्ता दिया जाएगा। इन मासिक भत्तों को अलग अलग विवरणी के तहत जो है वो सूचीबद्ध किया गया है। किन जनप्रतिनिधियों को कितना जो है वो मासिक भत्ता मिलेगा, ये भी हमने आपको इस खबर में बताया है। तो अब बिहार के जितने भी पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम कचहरी के प्रतिनिधि हैं, उन्हें सरकार की तरफ से जो है अब मासिक वेतन दिया जाएगा और इसके लिए बिहार सरकार ने कुल 74,58,00,000 रुपए की जो राशि है वो व्यय की है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही, कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।